नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि डेस्कटॉप के ऐसे कुछ शॉर्टकट्स और कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि आपको बहुत काम आ सकता है अगर आप एक छोटे यूजर्स हैं या आपको बार बार फोल्डर बनाने की आवश्यकता होती है अपने डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, और वो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट में। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे बहुत सारे ऐसे फाइल हैं और इसमें अलग अलग नाम के और एक ही फाइल अलग अलग है, तो हम चाहते हैं कि सबका अलग अलग फाइल अलग अलग फोल्डर में बन जाए। तो उसके लिए आप दोस्तों फोल्डर बनाते हैं, जिसके लिए आप स्टेप क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद आप न्यू पे जाते हैं एंड यहाँ से फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट मेथड। एंड यहाँ पे हम सेकेंड मेथड की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए हम सेकेंड मेथड यहाँ पे करते हैं, यहाँ से डिलीट। सेकेंड मेथड में आप क्या करते हैं कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट और एन प्रेस करते हैं, जिससे आपका फोल्डर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये सारे हम नहीं बताने वाले हैं, आपको मेन शॉर्टकट्स के तरीके से बताने वाले हैं कि आप मल्टीपल फोल्डर किस तरीके से बना सकते हैं अलग अलग नाम से। तो चलिए इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने फोल्डर को तो डिलीट कर लिया, अब यहाँ पे आते हैं कि किस तरीके से आपको बनाना है। दोस्तों बनाने के लिए सबसे इजी स्टेप है, आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है और इसमें आपको टाइप करना है नोट पैड, एंड यहाँ पे हम ओके करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो नोट पैड है यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको क्या इसमें कोड डालना है जिससे आपका मल्टीपल फोल्डर एक क्लिक पे बन जाएगा। तो आपको दोस्तों सबसे पहले कोड लिखना है यम एंड डी, स्पेस देना है, आपको जिस भी फोल्डर का नाम देना है उसका आप लिख दीजिए नाम। कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम ए नाम से फोल्डर बनाते हैं, स्पेस देना है, बी नाम से बनाते हैं एंड यहाँ पे सी नाम से बनाते हैं एंड यहाँ पे डी एंड स्पेस ई। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे पाँच फोल्डर यहाँ पे बना रहे हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि फाइल में जाना है, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सीधे फाइल में जाने के बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेव एज, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ पे जो फाइल इसको आपको हटा कर यहाँ पे अपना कोई सा भी नाम आप डालकर, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा नाम शिवम है तो हम शिवम दे देते हैं। और आपको ये एक्सटेंशन भूलना नहीं, डॉट बी ए टी, यानी बैच जो फाइल होती है। बस इतना करने के बाद दोस्तों आपको कर देना है सेव। आप जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे एक बैट फाइल आ जाएगी, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ गया। बस इतना करने के बाद इसको कट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे जिस नाम से फोल्डर बनाए थे अभी यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएंगे। थोड़ा सा हम वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे फाइलें हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस पर डबल क्लिक कर दिया है और ये हमारी जो फाइलें हैं अब बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे इसके अंदर का आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे फोल्डर आ गया है। दोस्तों इस तरीके से आप मल्टीपल फोल्डर एक ट्रिक्स में बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए